नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजेश्वर मधुकर और आज मैं आप लोगों को एक नया ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, आर हेल्थ पर आपका स्वागत है। आप अपना स्नेह, अपना प्रेम और अपना सहयोग बनाए रखें, यही आपसे प्रार्थना है। मित्रों, आपको आज मैं बताने आया हूं कि ये मदार यानी आँख, जिसे आँख भी कहते हैं, ये हमारे लिए कितना उपयोगी है और औषधीय दृष्टि से ये मदार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मदार को आप लोगों ने देखा होगा, ये स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ये मदार है, इसमें फूल भी आए हुए हैं और ये है मदार का फल। मदार का फल, फूल, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसे आप देख रहे हैं, इसका दूध बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसके पत्ते को तोड़ने के बाद से जो दूध निकलता है, उस दूध से विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। और ये फल, इस फल से रुई निकलती है। ये जब फल, यही फल जब पक जाता है तो पकने के बाद इसमें से रुई निकलती है, जैसे सेमल की रुइयाँ निकलती हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसका श्वेत मदार का ये फूल है और यही फूल आगे चल करके फल में परिवर्तित होता है। और फल में परिवर्तित होने के बाद इसमें जैसे जैसे वो फल मैच्योर होता है, वैसे वैसे उसमें रुई बनने लगती है और जब वो सूख जाता है तो उसमें से रुई निकलती है। ये देखिए, आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये मदार का दूध है। जब इसकी पत्तियों को तोड़ा जाता है तो उसमें से ऐसे ही ये चरपरा और लिसलिसा टाइप का ये दूध निकलता है। यह दूध चिकित्सा के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है। अगर मान लीजिए कि सर में कोई, तमाम आप लोगों ने देखा होगा, तमाम लोग ऐसे होंगे जिनके सर में थोड़ी थोड़ी दूर पर गोले के आकार में बाल गिर जाते हैं। होता यह है कि बाल, वो सर में चमड़े के नीचे कीड़े लग जाते हैं, जो कीड़े उन बालों को काट देते हैं। अगर इनका रोकथाम नहीं किया गया तो ये आदमी को गंजा बना देते हैं। अगर ये दूध जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस दूध को अगर सर पे लगाया जाए, जहाँ वो बाल गिरे हैं वहाँ लगा करके, और 2 से 3 बार ही अगर आप लगाया जाए तो आप देखेंगे कि बाल उगने लगेंगे। नतीजा ये होता है कि ये मदार का दूध जा कर के उन कीड़ों को मार देता है और कीड़े जब वहाँ मर जाते हैं तो उसके बाद से ये दूध निकल के प्रभाव से वहाँ जो है बाल आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए दूध बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कई और बीमारियों में काम आता है। आँख की लाली अगर है तो उसमें ये काम आता है, लेकिन आँख में इस दूध को नहीं लगाया जाता है हमेशा। ये देखिए मित्रों, मैं आपसे जोर देकर के मैं कहूँगा कि मदार एक जो है विषैला पौधा है और इसका दूध आँखों के लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ है। इससे आँख की रोशनी भी चली जाती है। इसलिए कभी भी अगर इसका प्रयोग करें आप, तो अगर हाथ में दूध लग गया है तो उसको अच्छी तरह से साबुन, मिट्टी या राख से साफ़ कर लें, निश्चिंत हो जाएं कि बिल्कुल समाप्त हो गया है। और ना इसको कहीं, मान लीजिए भाई दीवे आपके आँख में लग गया तो वो आपको नुकसान कर देगा। इसलिए मदार के दूध का इस्तेमाल, मदार का दूध जो है उससे वो आँखों में कभी भूल करके भी नहीं किया जाता है। अगर आँखों में लालिमा है तो नीचे पैर के अंगूठे में अगर मदार का दूध भरा जाए तो उससे आँख की लालिमा चली जाती है, लेकिन उसको पैर के अंगूठे में भरना है। और दूसरी बात यह है कि ये कोई भी काम, इसे जैसे दूध निकालना है या दूध लगाना है, ये जो भी काम करना है, इसके लिए आप लोगों को किसी जानकार बड़े बुज़ुर्ग के देख रेख में ये काम करना चाहिए। ये क्योंकि ये मान के चलना चाहिए कि ये जहरीला पौधा है और इसके पास जाना, इसे छूना, इसके पत्तियों को तोड़ना,
ये हर हालत में नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए गंभीर रूप से आपको चेतावनी दी जाती है कि कभी भी इस मदार के दूध का इस्तेमाल करते समय आप बड़े बुज़ुर्गों की देखरेख में ही जाएं, और अगर हाथ में दूध लग गया है तो राख मिट्टी या साबुन से अच्छी तरह से धो लें, आँखों से हमेशा इस दूध को दूर रखें। इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है और आपको जानना भी बड़ी ज़रूरी है और सावधानी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप गए हैं अपने बीमारी का इलाज करने के लिए और पता चला कि एक दूसरी बीमारी, एक घातक बीमारी आप इसको पाल लें तो ये अच्छी बात नहीं होती। ये देखिए, ये मदार का पत्ता तोड़ा गया है और उससे ये दूध निकल रहा है, और यही दूध जो है दाद खाद खुजली में ये दूध बहुत ही प्रभावी होता है। मित्रों, इस मदार के दूध में सम भाग में शहद मिलाकर लगाने से दाद खत्म। इस आग की जड़ 2 ग्राम चूर्ण को 2 चम्मच दही में पीसकर लगाने से भी दाद खत्म होता है। मदार का फूल गुच्छ तोड़ने पर जो दूध निकलता है उसे नारियल का तेल में मिलाकर लगाने से खुजली भी दूर हो जाती है। तो है ना ये फायदेमंद मदार का पौधा। मित्रों, इसका इस्तेमाल सावधानी से करें। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को आज्ञा दीजिए।